नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच पार्टी को लेकर खींचतान जारी है। इसका नजारा गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD की बैठक में भी देखने को मिला, जब तेजस्वी के भाषण के दौरान तेज प्रताप यादव मन छोड़कर चले गए। तेज प्रताप के इस कदम के बाद एक बार फिर से दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल गुरुवार को RJD की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लालू यादव के अलावा उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन बैठक में जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपना भाषण शुरू किया तो तेज प्रताप अचानक से अपनी कुर्सी से उठे और कार्यकारिणी की बैठक से बाहर आ गए। तेज प्रताप यादव को मंच से उठता देख लालू भी दंग रह गए। बता दें कि तेजस्वी यादव को लालू यादव का उत्तराधिकारी बताया जाता रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी को RJD की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि लालू परिवार की ओर से इन खबरों को लगातार खारिज किया जाता रहा है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक में लालू तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपने का ऐलान कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरों का खंडन भी सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने ही किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तेज प्रताप कुछ मुद्दों को लेकर अपने छोटे भाई और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी से अलग मत रखते हैं। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि तेज प्रताप का इस तरह से मन छोड़ना RJD के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।